हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आज फ्रेंडशिप डे है और आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहते होंगे। तो आपको अपने बेस्ट फ्रेंड को अगर प्लांट्स गिफ्ट करने हैं तो आप कैसे गिफ्ट करोगे? तो उसके लिए मैं आपको ट्री गार्डन बनाना कैसे बनाते हैं वो आपको आइडिया दूंगी। ट्री गार्डन के लिए इंडोर प्लांट्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं, तो मैंने स्नेक प्लांट को सिलेक्ट किया है। स्नेक प्लांट की जो डवार्फ वैरायटी आती है वो लिया है और जो लॉन्ग वैरायटी आती है वो लिया है। अभी ट्रे गार्डन बनाने के लिए हमें कैसी सॉइल चाहिए? तो सॉइल हमें ऐसी चाहिए जिसमें पानी ज़्यादा होल्ड ना करे और कुरकुरी ऐसी सैंड मींस मिट्टी चाहिए। तो उसके लिए मैंने गार्डन सॉइल, रिवर सैंड और कंपोस्ट और काउडंग का मिक्सचर पहले से तैयार करके रखा है, तो वो मिट्टी मैंने ट्रे गार्डन बनाने के लिए यूज़ की है। मैंने स्नेक प्लांट की जो बड़ी वैरायटी आती है वो लिया है और उसे मैं प्लांटर के बीच में सेंटर में लगा रही हूँ। आप देख सकते हो कि ये मेरा छोटा सा स्नेक प्लांट का जो बेबी निकल रहा था वो लिया है मैंने। इसकी जड़ें शायद थोड़ी ज़्यादा लंबी है तो इसे थोड़ा ट्रिम करना पड़ेगा। हम जब गार्डन ट्रे बनाए, ट्रे गार्डन, तो उसमें हमें जिसकी जड़ें ज़्यादा लंबी ना होती हो, छोटी ही रहती हो, वैसे प्लांट को सिलेक्ट करना है। मैंने ये जो स्नेक प्लांट लिया है इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, इसकी रूट छोटी छोटी होती है। तो जब भी आप ट्रे गार्डन बनाओ तो आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है कि जो प्लांट की जड़ें बहुत अंदर तक डीप में ना जाती हो ऐसा प्लांट सिलेक्ट करना है। अभी मैंने बड़ा स्नेक प्लांट था उसके दोनों साइड जो स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वैरायटी आती है उसे लिया है और अच्छे से उसके दोनों साइड पर मैंने स्नेक प्लांट को लगा दिया है। स्नेक प्लांट है वो इंडोर प्लांट है, उसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। दिन के 2-4 घंटे की जहाँ पर धूप मिलती हो वैसी जगह पर आप स्नेक प्लांट को रख सकते हो। इसीलिए ये ट्रे गार्डन आप इंडोर अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में या बेडरूम में कहीं भी आप अपने टेबल पर इसे सजा सकते हो। अभी मैंने प्लांट लगाकर ट्रे गार्डन को तैयार कर दिया है, अभी इसे मैं डेकोरेट करूँगी। आज की थीम है, फ्रेंडशिप डे की थीम है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा जो रिवर के अंदर स्टोन होते हैं ऐसा वाला स्टोन लिया है और इसको मैंने एक कोने में रख दिया है। और मेरे पास एक जो बच्चों का शार्पनर आता है जिससे हम पेंसिल को छीलते हैं वैसा वाला शार्पनर था जो हाउस के शेप का था, तो मैंने उसे लिया है शार्पनर को और इसके ऊपर मैं फेविबॉन लगा रही हूँ और ये गिर ना जाए इसलिए मैं ये स्टोन के ऊपर ये घर है छोटा सा इसे मैं चिपका रही हूँ। हमारा नन्ना सा छोटा सा घर रेडी हो गया है। अब घर के ऊपर जाने के लिए हमें स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्टेप बनाने के लिए मैंने 2 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के जो ढक्कन आते हैं वो लिए हैं और उसके ऊपर फेविबॉन्ड लगा के मैं एक दूसरे के ऊपर उसको चिपका दूंगी और नीचे मिट्टी में हमारी जो सॉइल है सैंड उसके अंदर मैं दोनों को रख के स्टेप की इफ़ेक्ट दूंगी। आप देख सकते हैं हमारे स्टेप बन के रेडी हो गए हैं। और उसके बाद हम जब पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा के अंदर ऐसा स्टैंड जैसा निकलता है, मैंने वो लिया है और एक प्लास्टिक की बॉटल का जो ढक्कन आता है वो लेकर उसके ऊपर फिक्स कर दिया और हमारा बेंच जैसा बनकर रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने मार्बल चिप्स आती है वो मेरे पास है वो ली है और बाकी की जो खाली जगह दिख रही है उसके अंदर मैं मार्बल चिप्स को फैला दूंगी।
अगर आपके पास मार्बल चिप्स नहीं है तो आप कोई भी छोटी सी पत्थर जैसी कपची आती है वो लेकर आप उसके अंदर डेकोरेट कर सकते हैं आपके गार्डन ट्रे को मार्बल चिप से। इसका लुक अच्छा सा आ रहा है, आप देख सकते हो कि मार्बल चिप्स डालने के बाद गार्डन ट्रे का लुक और भी सुंदर दिख रहा है। अभी मैंने जो पेंसिल सेल और कोकोनट ट्री का जो छोटा सा कोकोनट होता है उसकी मदद से मैंने मशरूम बनाया है। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो मशरूम मैंने लगाया है और मशरूम लगाने के बाद मैंने एक छोटा सा रैबिट जो आता है वो मैंने घर के पास रख दिया है। अब फाइनली हमारी गार्डन ट्रे के दो बेस्ट फ्रेंड मन्नू और सोनू आ गए हैं। दोनों अपने घर के गार्डन में नीचे बैठकर फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारी सुंदर सी फ्रेंडशिप डे थीम पर गार्डन ट्रे बनकर रेडी हो गई है। आप भी ऐसी ट्रे गार्डन बनाओ और अपने बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।